हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को मैथ्स में दो कंसेप्ट के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। किसी भी नंबर के पहले का बाद का और बीच के नंबर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो बताऊंगी। एंड द सेकेंड कंसेप्ट है हम लोग का कंसेप्ट ऑफ कंपेयरिंग द नंबर्स, दो नंबर के बीच में कंपेयर करना, विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड विच नंबर इज़ स्मॉलर। मैं इसको दो वीडियोस में आपको शेयर करूँगी। ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन का। हम सभी जानते हैं बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, एंड बिटवीन मीन्स बीच में का नंबर। आपने ये प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। आप सभी को काउंटिंग एकदम अच्छे से आनी चाहिए। हम सभी जानते हैं बच्चे कि मैथ्स में 10 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9। अब हम सबसे पहले जानेंगे हमारे बिफोर के कंसेप्ट में। किसी भी नंबर के पहले का स्पेस अगर ब्लैंक होता है, इसका मतलब हम लोग उसमें उस नंबर के पहले का नंबर फिल करते हैं। 65 बिफोर वाले नंबर में हम फर्स्ट डिजिट को एज इट इज़ एकदम सेम नोट करते हैं, 6 का 6 एंड 5 के पहले का नंबर। यहाँ देखिए 5 के पहले का नंबर क्या आता है हमारा, 4। तो हम यहाँ पर 5 के पहले क्या लिखेंगे, 4। उसी तरह से 29, 2 का 2, 9 के पहले 8। 99, 9 का 9 एंड 9 के पहले नंबर आता है हमारा 8। देखिए 9 के पहले 8। फिर हम आते हैं 70। बिफोर नंबर में बच्चों अगर हमारा सेकेंड डिजिट 0 होता है तो उस कंडीशन में हम इन दोनों नंबर्स को चेंज करते हैं। ओके, तो फिर हम इसमें हम 7 के पहले का नंबर भी नोट करेंगे। 7 के पहले का नंबर आता है हमारा 6 एंड 0 का 9 हो जाएगा। ओके, फिर हम आते हैं ट्रिपल नंबर पे, 4 7 8। 4 का 4 नोट होगा, 7 का 7 नोट होगा एंड 8 का हमारा 7 हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर है हमारा 500। अब देखिए अभी मैंने बताया कि अगर हमारा 0 नंबर होता है तो हम दोनों डिजिट्स को चेंज करते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट्स थे तो हमने दोनों डिजिट्स को चेंज किया, और यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों डिजिट्स को चेंज कर देंगे। ओके, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 5 के पहले 4 आता है। 0 हमारा बन जाएगा 9 एंड ये अगेन 0 हमारा बन जाएगा 9। अब हम आते हैं आफ्टर में। आफ्टर का मीन्स होता है बाद में। 43 अगर किसी नंबर के बाद का स्पेस के आगे का स्पेस अगर ब्लैंक हो तो दैट मीन्स कि हमें उस नंबर के बाद का नंबर लिखना है। 43 इसमें भी हम करेंगे फर्स्ट डिजिट को सेम नोट करेंगे, 4 का 4 एंड 3 के बाद का नंबर। आफ्टर का नंबर क्या आता है बच्चों, देखो 3 के बाद का नंबर 4, तो 3 के बाद का नंबर 4। 95, 9 का 9, 5 का 6। 37, 3 का 3, 7 का 8। 69, अब देखिए बच्चों हमने इसमें चेंज किया था बिफोर में कि अगर 0 रहता है तो दोनों डिजिट्स चेंज होते हैं, और आफ्टर में अगर 9 रहता है तो दोनों डिजिट्स हम लोग चेंज कर देते हैं। ओके, अगर सेकेंड नंबर डिजिट हमारा 9 रहता है तो हम लोग दोनों डिजिट को चेंज करते हैं। तो हमारा 6 के बाद का नंबर क्या आता है, 7, और 9 का हमारा बन जाएगा 0, क्योंकि 9 के बाद कोई डिजिट नहीं होता है तो वापस से ये आएगा हमारा 0 की तरफ। ओके, फिर हम आते हैं ट्रिपल नंबर पे, 801, 8 का 8, 0 का 0 एंड 1 के आफ्टर का नंबर 2। फिर 243, 2 का 2, 4 का 4 एंड आफ्टर द नंबर 3 इज़ 4। ओके बच्चों, आपको बिफोर एंड आफ्टर दोनों कंसेप्ट आ गया होगा समझ में अच्छे से। अब हम आते हैं बिटवीन में। बिटवीन मीन्स दो नंबर्स के बीच का नंबर बताना है ना। ये हमारा आफ्टर के कंसेप्ट जैसा है। 66 के आफ्टर नंबर देखिए है ना, तो 6 का 6 और ये 6 सेकेंड डिजिट है हमारा 6 अगेन, तो सेकेंड डिजिट हमारा चेंज हो जाएगा 7। 36, 3 का 3, 6 का 7। 509, मैंने अभी यहाँ आप लोगों को बताया था कि अगर 9 रहता है तो हमारे दोनों डिजिट्स चेंज हो जाते हैं,
वही हम यहाँ पे भी करेंगे। 509, 5 का 5, 0 के बाद 1 एंड अगेन 9 हमारा बन जाएगा 0। 634, 635, 198, 199 एंड 422 इज 423, 424। इज़ दैट ओके बच्चों? थैंक यू।